हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देयर्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं कद्दू एंड चने की पिक सब्जी कैसे बनाएं। चलिए वीडियो शुरू करें। गाइस, मैंने यहां पर एक छोटी सी टुकड़ा कद्दू ले लिया। अब मैं इसे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कद्दू बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हमें इस सब्जी को बनाने के लिए एक बड़े कटोरी चने चाहिए, दो बड़े कटे हुए प्याज, थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच तेल, 2 से 3 हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 से आधा चम्मच नमक। मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। यह कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस सब्जी को बनाएंगे। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैं 15 मिनट तक इसे ढक कर रख दूंगी और बीच में हम एक दो बार चेक कर लेंगे ताकि ये चिपक ना जाए। यहाँ पर आप देख चुके हो, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत सुंदर से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से सीज भी जाए। अब हम ढक के लगा देंगे। ये देखिए, कद्दू का पानी जो है पूरी तरह सूख गया है। अब हमारी ये सब्जी बनके रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे।